नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेज में। जैसा कि आप सभी लोगों की बहुत फरमाइश थी और सभी लोग चाहते थे कि C3 एवं C4 पादपों के बारे में कोई वीडियो आए और C3 और C4 पादपों के बारे में पता चले कि C3 पादप कौन से हैं और C4 पादप कौन से हैं। ये चीज़ कक्षा में कोई पढ़ाता नहीं है, कोई टीचर ना आज तक कोई किसी ने पढ़ाया है ना किताबों में इसका कोई स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जिससे बच्चों को एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे C3 और C4 पादपों के बारे में। तो वीडियो में चलते हैं और वीडियो में जाने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आगे आने वाली जो सारी वीडियोज़ रहेंगी, सारी ट्रिक्स रहेंगी एग्रीकल्चर के बारे में, वो की वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और स्टार्ट करने से पहले चार लाइनें पढ़ लेते हैं। न रूट तू न वेट तू, ये राहें अब आसान हैं। न रूट तू न वेट तू, ये राहें अब आसान हैं। मंजिल की दूरी ना जान, मंजिल की दूरी ना जान, मेहनत कर सब कुछ मेहरबान है। तो मेहनत के ऊपर डिपेंड रहें, सब कुछ आसान है। अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ भी आप पा सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं आज की अपनी वीडियो C3 और C4 पादप। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि C3 और C4 पादप होते क्या हैं। हम लोग वैसे ही पढ़ लेते हैं C3 C4, पता किसी को नहीं है कि C3 क्या है और C4 क्या है। तो हम C3 और C4 पादपों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले C3 पादप वे पादप होते हैं जो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। वे पादप जो रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उन पादपों को हम क्या कहते हैं, C3 पादप कहते हैं। और इसके विपरीत जो पादप रात्रि में प्रकाश संश्लेषण करते हैं या रात्रि में भोजन बनाते हैं उनको हम C4 पादप कहते हैं। वे पादप जो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते C3, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनको C4 कहा जाता है। अब देखो बात करें इनको C3 और C4 नाम ही क्यों दिया गया है। तो जो C3 पादप हैं उनमें इनका जो उत्पाद होता है वो 3 कार्बन युक्त यौगिक होता है, इसलिए इनको 3 कार्बन या C3 पादप कहते हैं। और जो C4 पादप हैं उनमें इनका जो उत्पाद है वो 4 कार्बन युक्त यौगिक होता है, इसलिए इनको C4 पादप। यानी C3 पादप में 3 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण होता है और C4 पादप में 4 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण होता है, इसलिए इनका नाम C3 और C4 रखा गया है। आगे हम बात करें इनके उत्पाद हैं कौन कौन से। जो C3 पादप हैं, C3 पादपों का जो उत्पाद है वो है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। C3 पादपों का उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है और C4 पादपों का उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ से वो प्रश्न पूछ लेता है कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में, वो प्रश्न पूछ लेगा C3 पादपों का उत्पाद है तो क्या है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, और C4 पादपों का उत्पाद क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। अब देखो यहाँ से हम आगे बात करें तो एक होती है क्रेंज एनाटोमी होती है। देखो मैं बता दूँ क्रेंज एनाटोमी क्या है। क्रेंज एनाटोमी है जल के प्रति अवशोषण क्षमता, पत्तियों की जल के प्रति अवशोषण जो क्षमता होती है, जल को खर्च करने की क्षमता होती है, उसको कहते हैं हम क्रेंज एनाटोमी। तो क्रेंज एनाटोमी C3 पादपों में नहीं पाई जाती है, C3 पादपों में अभाव होता है और C4 पादपों में पाई जाती है। तो यहाँ से भी वो प्रश्न पूछ लेता है कि क्रेंज एनाटोमी कौन से पादपों में पाई जाती है, तो कौन से पादपों में पाई जाएगी, केवल C4 पादपों में ही क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, C3 पादपों में नहीं पाई जाती। आगे हम बात करें C3 पादपों की, तो C3 पादप में हैं वो ठंडे मौसम में पाए जाते हैं और C4 पादप गर्म मौसम में पाए जाते हैं। C3 पादप ठंडे मौसम में और C4 पादप गर्म मौसम में पाए जाते हैं। आगे हम बात करें जो पृथ्वी पर कुल वनस्पति है, कुल वनस्पति के जो 95% पौधे हैं वो C3 प्रकार के होते हैं। यानी पृथ्वी पर जो कुल वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति के कुल 95% पौधे कैसे हैं, C3 टाइप के हैं। और शेष बचे हुए जो 5% पौधे हैं वो 5% पौधे किस टाइप के होते हैं, C4 टाइप के होते हैं। यानी C4 टाइप के पादपों की संख्या बहुत ही कम होती है। आगे मैं बात कहूँ C3 पादपों में केल्विन चक्र पाया जाता है, वो प्रश्न पूछता है केल्विन चक्र कौन से पादपों में पाया जाता है,
तो C3 पादपों में पाया जाता है और C4 पादपों में H एवं श्लेष चक्र पाया जाता है। ये प्रश्न पूछता है वो H और श्लेष चक्र कौन से पादपों में पाया जाता है, तो H व श्लेष चक्र पाया जाता है C4 पादपों में और केल्विन चक्र पाया जाता है C3 पादपों में। आगे हम बात करें एग्जाम्पलों की, ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो इनके एग्जाम्पलों से आते हैं। तो देखो इनके एग्जाम्पल की बात हम किस तरह से करते हैं, तो एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखने, केवल चार ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कौन से? मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा। मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा कैसे पादप हैं? C4 पादप हैं। तो केवल चार ही एग्जाम्पल आप याद रखो, मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा। इनके अलावा जो भी सभी पादप हैं वो किस टाइप के होते हैं? C3 टाइप के होते हैं, केवल मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरे को छोड़कर। तो केवल चार पादपों के नाम याद रख लो, और चार पादप कौन कौन से? मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा। किस तरह के पादप हैं ये? C4 पादप हैं। बाकी इनके अलावा कोई भी पादप पूछा जाए वो कैसा होगा? C3 प्रकार का होगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछा है गेहूँ किस प्रकार का पादप है, तो गेहूँ C3 पादप है। आपसे प्रश्न पूछा जाए धान किस प्रकार का पादप है, तो धान C3 पादप है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कपास किस प्रकार का पादप है, तो कपास C3 पादप है। मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा को छोड़कर सारे ही पादप C3 प्रकार के होते हैं। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, C3 और C4 पादप। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।